हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। और ओवरऑल देख लेते हैं हम लोग 24 तारीख को किस तरीके से मार्केट वर्क करने वाला है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरे एनालिसिस से भी हम लोग करने वाले हैं। तो पहले मैं प्रीवियस डे का मैं सारा डिस्कशन कर लेता हूँ। तो प्रीवियस डे का प्लानिंग हमारी ये थी कि ये वाला जो जोन था हमने ड्रॉ करके रखा था, इस जोन नॉट ट्रेडिंग जोन था। और मार्केट देखिए, जस्ट यहीं से मार्केट गैप ओपनिंग होती है, यहीं से सपोर्ट लेके हमारा जो पहला टारगेट होता है 18390 उसको हिट करता है। और मार्केट इसी लेवल के ऊपर दिन भर रह जाता है। लास्ट में यहाँ 3 बजे के बाद मार्केट में एक मूवमेंट आता है और कंटिन्यू फिर हमारी उस लेवल तक आती है जहाँ से हमारी फ्लैट ओपनिंग पे बाइंग का जोन था। तो ओवरऑल निफ्टी में जो एनालिसिस लेवल वाइज जो समझ जाता होगा, जो कि यहाँ ये लेवल था जहाँ से ऊपर निकला, अब मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है। अब देखना होता है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है और सारी चीजें को डाटा वगैरह देख करके। तो ओवरऑल फिर मार्केट नीचे आई और उस लेवल तक आई जहाँ हम लोग बाइंग था। तो ये सब चीज अगर देख के समझ के अगर किया जाए तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट होता है लोगों का। अब मैं देख लेता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी का प्लानिंग अगर करी जाए तो बैंक निफ्टी में हम लोग जो प्लान किए थे बैंक निफ्टी का डिस्कशन, वो हमने यहाँ से बाइंग 43914 के अब हम लोग का बाइंग था और पहला टारगेट 44060 था। तो मार्केट देखिए गैप अप ओपनिंग होती है और फिर हमारे इस लेवल के नीचे आती है और यहीं से एक बाइंग हम लोग को मिलता है इसी पॉइंट से। और कंटिन्यू फिर देखिए हम लोग को ये टारगेट जबरदस्त यहाँ हिट होता है, इसी जगह पे हिट हो जाता है और फिर मार्केट इसी जोन में साइडवेज रहा पूरा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहा। और मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही बिलो नीचे आया तो फिर जहां से हम लोग का बाइंग था उसके नीचे जाके यहाँ क्लोज हो गया। तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज था। तो साइडवेज में लोग पैसा बनाना नहीं बचाना होता है, और अगर आप बचा लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो आपका पैसा कब और कैसे खींच लेगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो साइडवेज में जितना आप नज़रअंदाज करेंगे मार्केट को उतना बढ़िया। आप देख लेते हैं कल के हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो कल के लिए अगर देखेंगे तो एक नीचे से ट्रेंड लाइन है हमारा और एक ऊपर से जो बहुत पहले से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऑलरेडी आया है, उसी के ऊपर मार्केट आज सस्टेन कर रहा था और ब्रेक किया तो फिर ये वाला एक ट्रेंड लाइन है कि हाँ अभी मैच कर रहा है। तो कल का प्लानिंग क्या हो सकता है, अगर ट्रेंड लाइन बेसिस अगर देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन के बिलो अगर निकले तो हम लोग का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और ये तीसरा टारगेट हम लोग को 43500 तक का देखने को मिल सकता है, इस ट्रेंड लाइन के बिलो अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे तो। और मार्केट कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो जो अभी हमारा ऑल टाइम हाई है या तो फिर जो आज का जो हाई है वहां तक मार्केट जाएगी, उसके अब हम लोग का 44150-52 तक जाने का संभावना है। मैंने कल ही डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक निफ्टी एक बार अपना डे ऑल टाइम हाई के जब तक टेस्ट ना कर ले। तो अभी तक टेस्ट किया नहीं है, कोशिश तो कर रही है लेकिन टेस्ट हुआ नहीं है। जब तक वो टेस्ट करके एक बार रिजेक्शन ना मिले तब तक बैंक निफ्टी का पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि ये अभी उतना जल्दी ऊपर जाए। तो बार बार रिजेक्शन या साइडवेज यही सब देखने को मिल सकता है। तो मैं बता दूं कि कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करना है। तो कल की अगर प्लान मैं बताऊँ तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 5 मिनट में मैं सारा लेवल बता दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग पुट साइड की अगर प्लानिंग की जाए तो 43853 ये वाला लेवल, साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी यहीं पे है। तो 43853 के नीचे मार्केट निकलना शुरू करे इसके नीचे तो हम लोग का जो टारगेट निकल के आएगा 43870, फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 43680, उसके नीचे जो टारगेट है वो 43534 और फिर फाइनल जो हम लोग का जहाँ एग्जिट कर लेना होगा 43444, एक बहुत ही स्ट्रांग और एक बहुत ही जबरदस्त लेवल है। और इसके नीचे भी अगर निकले तो वहाँ फिर आपको इग्नोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 43349 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ अभी पॉसिबिलिटी है नहीं। और अगर अब कॉल साइड की अगर बात करी जाए, कॉल की डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन अगर कहाँ पे ये इस लेवल तक हो जाती है 43800 के आसपास, 43700 के आसपास हो जाती है तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है तो गैप अप गैप डाउन होने के बाद हम लोग मार्केट को इसी पॉइंट से इस ट्रेंड लाइन तक जाने देंगे और यहीं से अगर रिजेक्शन ले तो फिर हम लोग पुट देखेंगे वहां तक जहां तक मार्केट जा चुकी थी। अब रही बात की अगर कॉल की प्लानिंग हम लोग कैसे करेंगे कि कॉल हम लोग कहाँ से लें, तो गैप डाउन के सिनेरियो में इस ट्रेंड लाइन की तक हम लोग रुकेंगे और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तब हम लोग कॉल का प्लानिंग करेंगे, नहीं तो फिर कॉल हम लोग इग्नोर करेंगे। अब रही बात फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलना शुरू करे तब की क्या प्लानिंग हो सकती है हमारी। तो फ्लैट ओपनिंग ओपन हो करके अगर 43970
45,970 के ऊपर निकलना शुरू करे तो हम लोग का जो टारगेट होगा वो 44,060 होगा। नेक्स्ट टारगेट जो होगा 44,152 होगा, उसके नेक्स्ट जो होगा 44,254 होगा, उसके बाद जो निकल के आ रहा है 44,405, और फाइनल जहां हम लोग को एग्जिट कर देना होगा 44,500। तो ये कॉल की प्लानिंग हमने कर ली। अगर मार्केट कहीं कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप कहीं मतलब 44,100 के आसपास हो जाती है, तब हम लोग क्या करेंगे, 44,100 के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो हम लोग वहां से तुरंत एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और स्टॉप लॉस क्या होगा, 44,152 हमारा स्टॉप लॉस होगा, और वहीं से एक पुट का ट्रेड लेंगे। कहाँ तक का, जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ तक का हम लोग ट्रेड करेंगे, और फिर अगर कहीं ये ट्रेंड लाइन बिलो मतलब निकले मार्केट नीचे तो यहाँ एक इंटरसेक्ट करेगा ये वाला भी ट्रेंड लाइन, तो दोनों का ट्रेंड लाइन जब इंटरसेक्ट करके अगर नीचे निकले तो फिर नीचे का बहुत बढ़िया और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या कॉल की साइड प्लानिंग की जाए? नहीं, आप कॉल का प्लानिंग तब तक नहीं करेंगे जब 44,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करने लगे। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी का प्लानिंग था। अब मैं देख लेता हूँ निफ्टी किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो निफ्टी की अगर प्लानिंग की जाए तो निफ्टी भी बहुत ही क्लियर और साफ है। मार्केट काफी देर साइडवेज रहा, साइडवेज होने के बाद ये देखिए जब ब्रेकडाउन मिला तो एक जबरदस्त मूव मिला, डे लो को भी ब्रेक किया तो भी नीचे आया, तो एक बढ़िया मूव था। आज के दिन अगर साइडवेज मिलने के बाद भी अगर कोई वेट किया होगा लास्ट तक तो उसको एक बढ़िया मूव देखने को मिला है। अब देखते हैं कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग होने के सिनेरियो में हम लोग करेंगे क्या? अगर फ्लैट ओपन होकर के मार्केट अगर इस लेवल से निकलना शुरू करे, यहां मैं लेवल बता दे रहा हूं, अगर मार्केट 18,350 के ऊपर निकलना शुरू करे, ये वाला लेवल 18,350 के ऊपर अगर निकलना शुरू करे तो हम लोग यहीं से कॉल का प्लानिंग करेंगे। कहाँ तक का, जो प्रीवियस डे का हाई है वहां तक का प्लान करेंगे। जैसे लेवल टू अगर मैं बता दूं तो पहला टारगेट, उसके बाद जो टारगेट निकलेगा 18,390, उसके बाद जो टारगेट है 18,422, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है हमारा 18,458, और फाइनल टारगेट जो है वो 18,500, जहां हम लोग को फाइनल एग्जिट कर लेना होगा। तो ये अबव कॉल साइड की प्लानिंग हो गई। अगर मार्केट कहीं कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप कहने के मतलब कि अगर ये वाला जगह पे हो जाता है, ये जो इसका देख रहे हैं जहाँ ओपनिंग जहाँ था उस जगह पे अगर हो जाता है तो ओपनिंग के पास से हम लोग एक रिजेक्शन का वेट करेंगे, और मार्केट जब इस जगह पे आए ना अपना डे लो के पास तो यहीं पे हम लोग सपोर्ट लेते हुए दिखे तो हम लोग पहला टारगेट ये कॉल का प्लानिंग, फिर दूसरा टारगेट ये वाला 18,380 तक का ये हम लोग देखेंगे, फिर थर्ड टारगेट हम लोग डे जो हाई है वहां तक का देखेंगे। अगर गैप डाउन सॉरी गैप अप होती है तब, गैप अप होने के बाद नीचे आने दे लेंगे तब फिर हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होकर के अगर नीचे आना शुरू करे तो नीचे आने के लिए आपको क्या है, 18,320 ये वाला लेवल, 18,320 के बिलो अगर मार्केट निकलना शुरू करे तब हम लोग पुट का प्लानिंग करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। अब इसके बाद लेवल अगर 18,300 बिलो अगर निकलना शुरू करे तो हम लोग का टारगेट क्या हो सकता है, पहला टारगेट 18,280, उसके बाद हमारा टारगेट 18,218, उसके बाद हमारा टारगेट 18,180 है, नेक्स्ट टारगेट 18,145, और फाइनल टारगेट जो है 18,100, जहाँ हम लोग को एग्जिट करना होगा, और उसके नियरेस्ट ही हमारा 18,000 भी है, वैसे पॉसिबिलिटी इतना नीचे जाने का नहीं है। ये लेवल टू लेवल आप ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन अगर होता है कहाँ गैप डाउन होता है, प्रीवियस डे का जहाँ क्लोजिंग था उस जगह पे अगर हो जाता है, ठीक ना, इस जगह पे, तो इसी जगह पे हम लोग देखेंगे क्या, मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है वहां तक अगर जाती है मार्केट और वहीं से रिजेक्शन लेता है तो फिर हम लोग ये पहला टारगेट और नेक्स्ट जो हमने लेवल दिया वो दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि गैप अप होने के बाद हम लोग कॉल का प्लानिंग कहाँ से करेंगे, मार्केट को इस जगह तक जाने दीजिए, यहाँ से इस जगह तक जाने दीजिए, और इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करें तो फिर हम लोग ऊपर का टारगेट देखेंगे। तो ओवरऑल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का फुल प्लानिंग था कल के लिए। अगर आपको मेरी एनालिसिस या मेरे ये सारी चीज़ों को समझ आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।